subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड टू मूवीज से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के ट्रू फैन हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगकर अंत तक पूरा देखना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2017 में हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म आई थी दोस्तों। उस फिल्म का रन टाइम था 2 घंटे 15 मिनट और उस फिल्म को डायरेक्शन दिया था मोहित सूरी ने। दोस्तों स्टार कास्ट की बात की जाए तो लीड रोल में श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर, रेखा चक्रवर्ती, विक्रांत मैसी जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले थे और उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एकता कपूर ने। अगर स्टोरी लिखी थी दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी चेतन भगत ने, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। उस फिल्म का जो बजट था वो 40 करोड़ था और हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में इंडिया से 97.73 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर दोस्तों उस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो बिहार का लड़का दिल्ली में कॉलेज करने जाता है, वहाँ उसको रिया सोमानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़का रिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उससे सिर्फ दोस्ती तक का ही रिश्ता रखना चाहती है, उससे आगे कुछ करना नहीं चाहती। कुछ इस तरह की स्टोरी बनाई थी और उस फिल्म को नाम दिया था हाफ गर्लफ्रेंड। अब मेकर्स उस फिल्म की सक्सेस के बाद उस फिल्म की स्टोरी को फिर से दोहराने जा रहे हैं दोस्तों, पर कुछ स्टार कास्ट इस तरह से रहेगी। श्रद्धा कपूर के ऑपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेगी। इस फिल्म की स्टोरी फिर से लिखेंगे चेतन भगत और डायरेक्शन करेंगे मोहित सूरी। दोस्तों इस तरह की फिल्म के डायरेक्शन के लिए मोहित सूरी बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे एकता कपूर। अगर इस फिल्म का बजट की बात की जाए तो इस फिल्म को 50 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा और इस फिल्म की रिलीज डेट इस साल नहीं होगी दोस्तों, 2022 में ये फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि अभी बिजी है सब स्टार अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। और इस फिल्म में हमें अर्जुन कपूर नज़र नहीं आएंगे, उनकी जगह पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेंगे। दोस्तों इस फिल्म का बज और क्रेज देखते हुए इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में 150 करोड़ का आंकड़ा इंडियन मार्केट में आराम से क्रॉस करेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा हाफ गर्लफ्रेंड 2 के अलावा आशिकी 3 मूवी में भी नजर आएंगे आलिया भट्ट के ऑपोजिट रोमांस करते हुए। और दोस्तों हाल ही में ही श्रद्धा कपूर ने बागी 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट। अगर दोस्तों इन दोनों की जोड़ी की बात की जाए तो श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसके अलावा एक विलन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक साथ काम कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपको पता ना हो तो एक विलन फिल्म का पार्ट 2 बनने जा रहा है पर उस फिल्म की स्टारकास्ट पूरी चेंज कर दी गई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर की जगह पर हमें जॉन अब्राहम, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिलेंगे और उस फिल्म की स्टोरी भी पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाफ गर्लफ्रेंड 2 फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।